पंजाब मौजूदा सरकार की तरफ से लगातार प्रवासी भाईचारे को उनके प्रदेश भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी वजह कारण लोगों व प्रशासन से परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते लुधियाना की सड़कों पर प्रवासी भाईचारे के लोगों की ओर से प्रदर्शन कर डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनकी मांग थी कि उनको उनके प्रदेशों में भेजा जाए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंस का भी किसी प्रकार का ध्यान इस दौरान नहीं रखा गया और वहां पर पुलिस बल भी मौजूद था। इस दौरान प्रवासी भाईचारे के लोगों का कहना था कि उनको प्रशासन व लोगों की ओर से परेशान किया जा रहा है, जिसके तहत वे अपने प्रदेश नहीं जा पा रहे। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक उनकी बात पहुंच सके। लुधियाना से रामकिशन अरोड़ा की रिपोर्ट। दोस्तों लुधियाना के डीसी दफ्तर प्रवासी मजदूरों ने धरना दिता है अपनी मंगा नूं लैके। कितने ना कितने तुहानूं तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने एक गल कही है कि जब तक साडी मंगा नहीं पूरी होगी तद तक असी ये धरना देंदे रहांगे। दूसरी तरफ प्रशासन कोशिश कर रहा उन्होंने समझाने की, लेकिन प्राथमिक दृष्टि ना अपनी मंगा नूं लैके वह खड़े हुए ने, अपनी मंगा नूं मन रहे ने। प्रशासन उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिल्कुल डीसी दफ्तर के सामने की तस्वीर ने वो अपनी मंगा नूं लैके इत्थे खड़े ने। आ देखो जी तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं, बिल्कुल डीसी दफ्तर के सामने ने प्रशासन उन्हां नूं समझा रहा है। कितने ना कितने एक मंग है उन्हां दी कि सानूं साडी सिर्फ गड्डी ते बिठाया जावे, क्योंकि सानूं खाण दी व्यवस्था नहीं हो रही है, दिक्कत परेशानी हो रही है अपनी मंगा नूं लैके। आ तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं जी डीसी दफ्तर के सामने, लेकिन कितने ना कितने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है। दूसरी तरफ एक चीज़ होर देखी जा रही है कि खाण पीन दा कह रहे ने साडा कोई इंतजाम नहीं है, असीं गल करन दी कोशिश करदे हां। उच्ची बोली की नाम जय भीम जय भारत बरगन बिलगा जिला प्रधान बहुजन समाज पार्टी लुधियाना। साथियों अज असी लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर के कोल पहुंचे हाँ। इस पंजाब दे और लुधियाना दे इन्ने माड़े हालात आ, इत्थे गरीब आदमी जिहड़ा जिन्हां नूं कई लगभग डेढ़ महीने तो कैद की तरह घरां दे विच डक्या होया, जिन्हां दे कोल खाण नूं रोटी नहीं आ, जिन्हां दा सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही, जिन्हां लोकां ने अपनियां टिकटां जिहड़ियां जाण लई बुक कराईयां, उन्हां भी गरीबां नूं जिहड़ा सही ढंग नाल जिहड़ा भेजिया नहीं जा रहा। कईयां कोलों तां टिकटां खो लईयां जांदियां, ओह टिकटां तगड़े आदमियां नूं जिहड़ियां बेचियां जांदियां। इस करके ये गरीब लोग प्रवासी मजदूर चाहे पंजाब दा होवे, चाहे मद्रास दा होवे, चाहे बिहार दा होवे, ये अज बेरोजगार होण दे नाते नाते भुखना भी मर रहा, इन्हां दा सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही। इस करके फैक्ट्री मालक इन्हां नूं जिहड़ा किसे ढंग दा कोई पैसा नहीं दे रही, इन्हां नूं रखण दा ना सरकार प्रबंध कर रही आ, ना जिहड़े आ फैक्ट्री मालक कुछ दे रहे आ। ये बहुत परेशान लोग आ, इन्हां नूं रोजी रोटी दा प्रबंध कीता जावे, इन्हां नूं बचाया जावे। डीसी दफ्तर सोशल डिस्टेंस है नहीं सीगा ओहदे बारे मैं बिल्कुल मैं जिहड़ा इत्थे उसी तरह मैं एक एक बंदे नूं 6-6 फुट तो दूर रहण दा कहा, जे इत्थे लिया के लोकां नूं कट्ठे कीता जांदा, ए मुलाजमां दी ड्यूटी आ वे कट्ठे ना होण देण, इस चीज दा प्रबंध कीता जावे वे किसे होर नूं कोई बीमारी ना लग सके। प्रधान मैं पूरे जिले दा आ, जिले दे अंदर किसे भी गरीब नाल कोई बदीकी हुंदी आ मैं उत्थे विच शामिल होवांगा और दुख सुख दे विच लड़ाई लड़ांगा। मैं इन्हां दे नाल मैं इन्हां नूं कहा वे तुसीं इत्थे रुको, मैं अकेला जा रहा, मैं इत्थे अद्धे घंटे तों अकेला आया, आके रुकिया, उस तों बाद उन्हां दे सबर दा मन टुट गया, ओह तां आए इत्थे तक। चलो ओह जो भी बोल रहा है मेरा हक बनदा, मेरा फर्ज बनदा लड़ाई लड़न दा, गरीब दे हक दे लई असीं लड़ाई जिहड़ा लड़दे रहांगे।